नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष प्लेलिस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमारे विषय कंट्रोल सिस्टम में आज करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर के ट्रांसफर फंक्शन के टाइम डोमेन एनालिसिस के। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक जनरल सेकंड ऑर्डर का कंट्रोल सिस्टम का फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन इस तरह से है। ये एक टाइप वन सेकंड ऑर्डर का फंक्शन है। एस दो बार मल्टीप्लीकेशन होकर हाईएस्ट पावर दो रहता है और एक पोल एस इजिकल टू जीरो पे है। एक पोल ओरिजन पर होने के कारण ये टाइप वन सिस्टम है और एस की पावर डिनोमिनेटर में दो होने के कारण ये सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम है। अगर हम यूनिटी नेगेटिव फीडबैक के साथ क्लोज लूप कंट्रोल देखें तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कंट्रोल्ड आउटपुट और रेफरेंस इनपुट के साथ ये स्वरूप रखता है। ये जो मानक स्वरूप है एक सेकंड ऑर्डर के ट्रांसफर फंक्शन का, इसमें ये जो ओमेगा एन है इसे हम अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम कहते हैं। एक एलसी सर्किट में ये 1/√LC होती। बिना डैम्पिंग के सिस्टम जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेशन करता है वो ये ओमेगा एन है। यहाँ ये जीटा डैम्पिंग रेशियो कहलाता है। हम जब सिस्टम पे इनपुट देते हैं रेस्पॉन्स कितने रेजिस्टेंस के साथ एग्जीक्यूट होता है उसे ये जीटा कोफिशिएंट डैम्पिंग रेशियो कहते हैं डिसाइड करता है। एक सेकंड ऑर्डर के टाइम रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट ऑर्डर की भांति ही सिस्टम के पोल्स पे डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ जो दो पोल हैं वो डिपेंड करेंगे सिस्टम के पैरामीटर्स पे। और अगर सिस्टम के पैरामीटर बदलते हैं तो हमारा जो रेस्पॉन्स है वो चार रूप रख सकता है। वो डैम्प्ड ऑसिलेशन हो सकता है, बिना डैम्पिंग के प्योर ऑसिलेटरी बिहेवियर हो सकता है, ओवर डैम्प्ड बिहेवियर हो सकता है, क्रिटिकल डैम्प्ड बिहेवियर हो सकता है। परीक्षाओं में एक प्रचलित प्रश्न है, हमें सेकंड ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर फंक्शन दे देंगे और सिस्टम की अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग रेशियो के बारे में जानकारी चाहेंगे। तो अगर इस डिनोमिनेटर फंक्शन का स्टैंडर्ड इक्वेशन के डिनोमिनेटर फंक्शन से कंपेरिजन करें तो ओमेगा एन स्क्वायर चार के बराबर है, तो ओमेगा एन रूट करने पे दो आ गया है। और अगर मैं इस टू डेल्टा ओमेगा एन में दो ओमेगा एन की वैल्यू रखूं तो पाता हूं जीटा डैम्पिंग फैक्टर 0.5 आ गया है। वैसा ही प्रश्न है, हमें ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है सेकंड ऑर्डर का जहां के सिस्टम का गेन है। अगर ये सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड हो तो के का मान क्या होगा? अगर हम इस डिनोमिनेटर फंक्शन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेरिजन करें और क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए जीटा का मान 1 रखें तो 2 ओमेगा एन 4 के बराबर है, तो ओमेगा एन हमारी जानकारी में 2 आ गया है। और अगर हम यहां ओमेगा एन की वैल्यू 2 रखते हैं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में 2 का स्क्वायर के की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो के मान 4 के लिए ये जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्रिटिकल डैम्प्ड होगा। किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के लिए जो कंट्रोल्ड आउटपुट का टाइम रेस्पॉन्स है वो न केवल रेफरेंस इनपुट सिग्नल के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा, पर वो मूलतः डिपेंड करता है हमारे इस हरी हाईलाइट में आए हुए पॉलिनोमियल पे। अगर हम इस डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दें तो ये जो समीकरण का स्वरूप है इसे हम ट्रांसफर फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं जो पोल की पोजीशंस बताते हैं, अगर हम -b + -b² - 4ac/2a रूल लगाएं तो वो ये दो स्वरूप में आ गए हैं। और इन पोल की नेचर डिपेंड करेगी हमारे डैम्पिंग फैक्टर जीटा की वैल्यू पे। जीटा की वैल्यू के हिसाब से चार रूप कैसे होंगे समझते हैं। एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम के टाइम रेस्पॉन्स के चार रूपों में से एक रूप ओवर डैम्प्ड कहलाता है जब जीटा डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। अगर ये जीटा 1 से ज्यादा है तो ये रूट में जो क्वांटिटी है वो एक रियल क्वांटिटी होगी और प्लस के साथ और माइनस के साथ दो सेपरेट और रियल रूट हमारे बनेंगे। और ऐसे कंडीशन में जो हमारा टाइम रेस्पॉन्स होगा वो स्लोली राइज करेगा और अपनी फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू पे बिना किसी ऑसिलेशन के थोड़ा ज्यादा समय लेकर पहुंच जाएगा। एनालिसिस की दृष्टि से एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम का सबसे सरल रूप क्रिटिकल डैम्प्ड है, जहां जीटा डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू 1 है। ऐसी स्थिति में ये 1 का स्क्वायर 1 में से 1 जाने पे ये 0 हो गया है, तो ये पार्ट नहीं होने से और जीटा की वैल्यू 1 होने से दो रियल और इक्वल पोल माइनस ओमेगा एन पे आते हैं। यहाँ डबल पोल आ गया है एक ही जगह पे। और ऐसी स्थिति में हमारा जो टाइम रेस्पॉन्स है वो राइज तो स्लो होता है लेकिन फाइनल वैल्यू पे बिना ऑसिलेशन के मिनिमम टाइम में पहुंचता है। सबसे कम समय में हमारा रेस्पॉन्स फाइनल वैल्यू पे आता है। ये
परीक्षाओं का सबसे प्रचलित प्रारूप है। हमें सेकंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन दे देंगे और कहेंगे कि टाइम रिस्पॉन्स की नेचर कैसी है। तो नेचर नीटा डैम्पिंग फैक्टर पर डिपेंड करेगी। अगर हम यहाँ तुलना करें दो फिगर के साथ, तो ओमेगा एन का स्क्वायर 16, ओमेगा एन को 4 बता रहा है और 4 को 2 से गुना करने पे 8 आता है। 8 नीटा 8 है तो नीटा 1 आ गया है। 1 का मतलब ये सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड है, जो थोड़ा स्लो राइज होगा लेकिन बिना ऑसिलेशन के फाइनल स्टडी वैल्यू पे सबसे पहले पहुंच जाएगा। अगर इसी स्थिति में नीटा का मान 1 से कम होता तो ये अंडर डैम्प्ड कहलाता, 1 से ज्यादा होता तो वो ओवर डैम्प्ड कहलाता, और अगर नीटा 0 होता तो ये अनडैम्प्ड कहलाता। एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम अंडर डैम्प्ड कहलाएगा अगर नीटा का मान 1 से कम और 0 से ज्यादा हो। ऐसी स्थिति में जो पोल्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट होंगे। ज्यादातर जो हमारे कंट्रोल सिस्टम है वो हम बेटर फास्ट शुरुआती रेस्पॉन्स के लिए क्रिटिकल डैम्प से थोड़ा कम अंडर डैम्प्ड बनाते हैं, अर्थात टिपिकल डैम्पिंग की वैल्यू 0.8 से 0.9 के बीच में रखी जाती है। और जो दो हमारे पोल्स हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने में, क्योंकि नीटा 1 से छोटा है तो वो √-1 इमेजिनरी नोटेशन से आ गए हैं, एक प्लस नोटेशन के साथ और एक माइनस नोटेशन के साथ इमेजिनरी पार्ट रखेगा, और दोनों का रियल पार्ट सेम है। रियल पार्ट ओमेगा एन का नीटा टाइम्स है और इमेजिनरी पार्ट ओमेगा एन का 1 नीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट टाइम्स है। ऐसी कंडीशन में जो हमारा ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है वो फास्ट राइज होगा, अपनी फाइनल वैल्यू को क्रॉस करके ओवरशूट करेगा, ओवरशूट को पीक पाके वापस ऑसिलेशंस करता हुआ फाइनल स्टडी वैल्यू पे सेटलिंग टाइम के बाद, जो डिपेंड करेगा टाइम कांस्टेंट के अनुसार, 4 टाइम कांस्टेंट में 2% लिमिट्स में सेटल हो जाएगा। हम डिटेल से इसे समझेंगे। अगर जीटा डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू 0 हो तो ऐसा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है वो अनडैम्प्ड कहलाएगा। नीटा की वैल्यू 0 होने के कारण हमारे रूट का ये भाग शून्य हो गया है, और नीटा 0 होने से √-1 एक इमेजिनरी फिगर आ गया है, और जो दो रूट आए हैं वो सिर्फ इमेजिनरी और कॉन्जुकेट फॉर्मेट में है, एक प्लस जे ओमेगा एन और एक माइनस जे ओमेगा एन। तो जो हमारे पोल्स हैं वो कॉन्जुकेट और इमेजिनरी हैं, और ऐसी स्थिति में जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है वो अनडैम्प और सस्टेन्ड ऑसिलेशन होंगे, और ऑसिलेशन थियोरेटिकली अनंत समय तक जारी रहेंगे। हमने जाना था कि एक यूनिटी फीडबैक के साथ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सेकेंड ऑर्डर के लिए ये स्टैंडर्ड रूप रखता है, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। यहाँ ओमेगा एन नेचुरल अनडैम्प्ड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है और ये जीटा डैम्पिंग फैक्टर है। एक यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए RS 1/S है, उसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ CS निकालने के लिए दूसरी तरफ ले लें तो ये स्वरूप आ जाएगा। और यहाँ जो करेक्टरिस्टिक डिनोमिनेटर में अगर सेपरेशंस करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के एक्सपेंशन के लिए तो ये दो स्वरूप हो गए हैं। और अगर जीटा 1 से कम हो तो हमने इस डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर को जोड़ा और घटाया है, और ऐसी स्थिति में ये जो पहला लाल सर्किल में आप देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है वो एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर हो गई है, और ये जो दूसरी टर्म है वो ओमेगा एन स्क्वायर 1 नीटा स्क्वायर आ गई है। हम इसे स्टैंडर्ड एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्वरूप देंगे। ये डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल एस प्लस ए का होल स्क्वायर बन गया है, और यहां हमने इस फैक्टर को ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए ओमेगा डी का होल स्क्वायर कर दिया है, जहां ओमेगा डी अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी में √-1 जीटा स्क्वायर हो गया है, इसको हम डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर के ऊपर एस प्लस ए और ओमेगा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ओमेगा यहाँ ओमेगा डी है, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है, तो इस न्यूमेरेटर को ओमेगा डी बनाने के लिए ओमेगा डी का ये स्वरूप है। हमने इस न्यूमेरेटर फिगर में 1 जीटा स्क्वायर के रूट का भाग और गुणा कर दिया है, और ऐसी स्थिति में इस नीली एलिप्स में ओमेगा डी आ गया है, जिसका एक मल्टीप्लायर कॉफिशियंट यहाँ बाहर जीटा अपॉन रूट में 1 जीटा स्क्वायर आ गया है। ये मेरा स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्मेट हो गया है, जिसमें पहला फंक्शन 1/S का इनवर्स लाप्लास 1 हो जाएगा, दूसरे में डिनोमिनेटर में एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर में ऊपर एस प्लस ए है, तो ये कॉस फंक्शन हो गया है ओमेगा डी टी, और e^-at यहाँ जीटा ओमेगा एन है, तो ये स्वरूप आ गया है। जबकि ये जो दूसरा फंक्शन है ओमेगा अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो साइन ओमेगा टी का रूप हो गया, जहाँ ओमेगा डैम्प्ड
हाइट फ्रीक्वेंसी है, एस प्लस ए के कारण यहाँ एक्सपोनेंशियल डिकेइंग टर्म आ जाएगी और इसका मल्टीप्लायर ये है। इस स्वरूप को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमने पिछले पेज के एक्सप्रेशन में दोनों फंक्शंस में से ई की पावर जीटा ओमेगा एंड टी कॉमन ले लिया है और ये जो स्वरूप है इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर को कॉमन बाहर निकालकर इधर मल्टीप्लीकेशन कर दिया है। इस ट्राइंगल में आप देखेंगे कि बेस जीटा है, परपेंडिकुलर 1 माइनस जीटा स्क्वायर का रूट है और हाइपोटेनस अगर 1 है तो ये साइन थीटा हो गया है और ये टर्म कॉस थीटा हो गई है और ऐसी स्थिति में ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा हो गया है, जहां थीटा ये एंगल है जो इस ट्राइंगल से डैम्पिंग फैक्टर के अनुसार बन रहा है और ये सबसे सिंप्लीफाइड हमारा फॉर्मेट हो गया ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का, जिसका एनालिसिस समझते हैं। एक सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम का जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है टाइम रिस्पॉन्स, उसका ये जो मैथमेटिकल फॉर्मेट है उसको अगर हम ग्राफिकली टाइम के साथ प्लॉट करें तो हमारा जो आउटपुट कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स है वो शुरू में तेजी से बढ़ता है, कुछ समय बाद वो अपना 50% वैल्यू पाता है, इस समय अंतराल को हम डिले टाइम कहते हैं, और वो अपने फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू को पार करके ओवरशूट करता है और पीक ओवरशूट बनाकर वापस डिक्रीज होता है और बहुत सारे ऑसिलेशंस करके अपनी फाइनल स्टेडी वैल्यू में कुछ परसेंटेज पे सेटल हो जाता है। इस तरह के सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटरी रेस्पॉन्स में हम डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, मैक्सिमम ओवरशूट और सेटलिंग टाइम को यूज करते हैं इस बिहेवियर को समझने के लिए। एक सेकंड ऑर्डर के ट्रांसफर फंक्शन के लिए यूनिट स्टेप इनपुट का जो कंट्रोल्ड आउटपुट का जो टाइम रेस्पॉन्स है वो जीरो वैल्यू से तेजी से बढ़ता है और पहली बार वो अपने फाइनल स्टेडी वैल्यू का जो 50% मैग्नीट्यूड पाता है, उस अंतराल को हम डिले टाइम कहते हैं और कैलकुलेशन से डिले टाइम का ये फॉर्मूला आता है, जहां जीटा डैम्पिंग फैक्टर है और डैम्पिंग फैक्टर का 0.7 टाइम्स को अगर 1 से जोड़ दें और अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ध्यान रहिए अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उसका अगर डिवीजन कर दें तो जो समय काल आता है सेकंड्स में वो हमारा डिले टाइम है। राइज टाइम को हम अगर अंडर डैम्प्ड सिस्टम है जैसा यहाँ चित्र में दिखाया गया है तो इसे हम समझते हैं 0 से 100% वैल्यू जो फाइनल स्टडी है वहां तक आने का समय है, पहली बार 100% वैल्यू जितने समय में आती है उस समय को हम राइज टाइम कहते हैं। अगर यही सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर सिस्टम ओवर डैम्प्ड होता तो हमारा राइज टाइम इसमें 10% से 90% ऑफ फाइनल वैल्यू आने का समय होता और आप देखेंगे कि ये जो हमारा साइनोसोइडल बिहेवियर है इसकी आधी साइकिल यहाँ पॉजिटिव पीक पे होती है और ये आधी साइकिल के समय काल पाई रेडियन से कुछ एंगल फाई या थीटा पहले राइज टाइम का एंगल बना लेता है और राइज टाइम ये एक्सप्रेशन रखेगा। ध्यान रहे यहाँ डिनोमिनेटर में डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है जो ओमेगा एन मल्टीप्लाइड बाई अंडरवुड 1 माइनस जीटा स्क्वायर है। एक अंडर डैम्प्ड बिहेवियर अपनी पहली बार फाइनल स्टडी वैल्यू पाने के बाद भी मूव करता है और वो ओवरशूट करके एक पीक मैग्नीट्यूड पाता है और ये पीक मैग्नीट्यूड अपनी फाइनल वैल्यू से कितनी प्रतिशत ऊपर है उसे हम पीक ओवरशूट कहते हैं और जो टाइम पीक ओवरशूट का उसे पीक टाइम कहते हैं और पीक टाइम पे ये आधी साइकिल हो गई है और आधी साइकिल पाई रेडियन है तो पहली बार ये 1 पाई हो गई और दूसरी बार ये पीक अंडरशूट करेगा तो ये 2 पाई के साथ आ जाएगा, अगला पॉजिटिव पीक जो पहले से छोटा होगा वो 3 पाई पे आ जाएगा और इस तरह से हम जो टाइम है अलग अलग पीक के वो निकाल सकते हैं। तो जो पहले पीक का टाइम है वो हो गया पाई अपॉन ओमेगा डी, एक बार फिर ओमेगा डी डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जो ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर है। यूनिट स्टेप इनपुट के लिए एक सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन के लिए अंडर डैम्प्ड टाइम रेस्पॉन्स में पीक या मैक्सिमम ओवरशूट ये मैग्नीट्यूड है जो हमारी फाइनल यूनिटी स्टडी वैल्यू से रेस्पॉन्स ओवरशूट होते हुए बनाता है। मैक्सिमम परसेंटेज ओवरशूट को हम पीक टाइम पे प्राप्त इंस्टेंटेनियस वैल्यू और स्टडी स्टेट वैल्यू के अंतर के साथ पर यूनिट ऑफ स्टडी स्टेट वैल्यू पढ़ते हैं और न्यूमेरिकली इस फॉर्मूले से इसे पढ़ सकते हैं और इसे याद करने के लिए आप इस ट्राइंगल को देखिए और आप पाएंगे कि यहाँ 1 माइनस जीटा स्क्वायर के रूट बटा जीटा को हम इस ट्राइंगल में 10 थीटा पढ़ सकते हैं तो इसे आप ई की पावर माइनस पाई अपॉन 10 थीटा भी पढ़ सकते हैं, जहां थीटा इस ट्राइंगल से याद किया जा सकता है, ई की घात माइनस पाई अपॉन 10 थीटा, जहां 10 थीटा इस ट्राइंगल से दिया जाएगा। हम पाते हैं कि अगर हमारा डैम्पिंग फैक्टर जीटा कम होता है तो पीक ओवरशूट का मान बढ़ता चला जाएगा और जीटा जीरो होने पे अनडैम्प्ड सिस्टम में पीक ओवरशूट 100% होगा। एक सेकंड ऑर्डर के अंडर डैम्प्ड
ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम में जब यूनिट स्टेप इनपुट होता है तो हमारा जो ऑसिलेटरी टाइम रेस्पॉन्स है वो एक्सपोनेंशियली डिके होता है। उस एक्सपोनेंशियल डिकेइंग पार्ट का जो टाइम कांस्टेंट है वो 1/ζωn है और हमारा जो रेस्पॉन्स है वो एक टाइम कांस्टेंट के बाद ट्रांजिएंट पार्ट 63% डिक्रीज होकर 37% रह जाता है और अगले टाइम कांस्टेंट में वो रिमेनिंग 37 का भी 63% डिके होके सिर्फ 13.5% रह जाता है। वो तीन टाइम कांस्टेंट में 5% टॉलरेंस में और चार टाइम कांस्टेंट में 2% टॉलरेंस में आ जाता है, जहां टाइम कांस्टेंट 1/ζωn है। ध्यान रहे ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है। प्रश्न में एक सेकंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, अगर स्टेप इनपुट है तो रेस्पॉन्स को 2% की टॉलरेंस में सेटल होने में कितना समय लगेगा। तो यहां अगर हम कंपैरिजन करें एक स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल से हमारी दीवी इक्वेशन के पॉलिनोमियल का, तो हम पाते हैं कि 2ζωn 0.2 है तो ζωn 0.1 हो गया है और खाली इसी से मुझे टाइम कॉन्स्टेंट पता लग जाएगा। इसका उल्टा टाइम कॉन्स्टेंट है और इसका उल्टा 10 हो गया है तो मेरा 10 सेकंड एक टाइम कांस्टेंट है, 2% टॉलरेंस के लिए मुझे 4 टाइम कांस्टेंट चाहिएंगे तो मेरा सारा समय 4 टाइम कांस्टेंट, एक टाइम कांस्टेंट 10 सेकंड का है तो कुल समय मुझे 40 सेकंड लगेगा। अगर यही टॉलरेंस 5% होती तो मुझे 3 टाइम कांस्टेंट, इस केस में 30 सेकंड समय लगता। प्रश्न है कि एक क्रिटिकली डैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम में अगर गेन कांस्टेंट के बढ़ेगा तो उसके बिहेवियर में क्या फर्क पड़ेगा। तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम में अगर गेन बढ़ता है तो राइज टाइम थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, वो शुरू में थोड़ा तेज चलेगा लेकिन क्रिटिकल डैम्प्ड में कोई ओवरशूट नहीं होता, सेटलिंग टाइम पे भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर यही प्रश्न अंडर डैम्प्ड का होता तो गेन बढ़ाने से डेफिनेटली हमारा रेस्पॉन्स तेज होने से राइज टाइम कम होता लेकिन परसेंटेज ओवरशूट बढ़ते और सेटलिंग टाइम भी बढ़ जाता। तो अंडर डैम्प्ड में गेन बढ़ाने से रेस्पॉन्स फास्ट होगा, पीक ओवरशूट इंक्रीज होगा लेकिन कम समय में आएगा और सेटलिंग टाइम बढ़ जाएगा। आज की इस वीडियो से आपकी परीक्षा तैयारी में मदद मिलेगी, आप अच्छे अंक पाएं। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग अवर वीडियो।